हेलो जी, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। सो हम लोग आज का जो वीडियो लेकर के आए हैं वो है स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करेंगे हम लोग S3 बकेट के थ्रू। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे स्टैटिक वेबसाइट? अब स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? स्टैटिक वेबसाइट मतलब एक डेमो वेबसाइट समझ लीजिए आप, कि बस वो रहेगी, उसमें ऑप्शन जो है वो कुछ मतलब हरकत नहीं करेंगे, बस वो ऑप्शन प्रेजेंट होंगे वहां पे, सारे के सारे ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का डेमो, जो कि है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग ऑन S3। ओके फ्रेंड्स, तो ये डेमो जो है वो मैंने प्रॉपरली नोट्स में मेंशन किया हुआ है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो नीचे जा करके। उसमें आपको फुल AWS के नोट्स मिलेंगे, और हर मतलब नोट्स में जितने मैंने डेमो कराए हैं इस लिस्ट में, मतलब इस सीरीज में, उन सबके स्टेप बाय स्टेप मैंने मेंशन किया हुआ है सारा का सारा, कि कैसे कैसे आपको करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट का डेमो है, तो मैंने लिखा है क्रिएट अ बकेट, अपलोड करो एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप ऑल दी फाइल्स, लाइक जो भी चीजें हैं। मैंने आप वीडियो देखोगे ना, आपको ये सब समझ जाएगा, मतलब एक्चुअली कैसे करना है ये। ठीक है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं अपने हम कंसोल पे और शुरू करते हैं आज का डेमो। तो चलने के लिए मुझे पहले चलना होगा एक S3 बकेट पे, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा S3, और यहाँ पे आ जाएंगे हम S3 के अंदर, और एक फटाक से बकेट मैं क्रिएट कर लेता, जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। सो दिस इज बकेट, ठीक है, और इसका नाम डालता हूँ स्टैटिक बकेट डेमो 8520, एक रैंडम नंबर में डाल दे, ताकि मतलब एक यूनिक बन जाए, ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। ACL इनेबल को हम कर ACL को इनेबल कर देंगे, और यहां मैं इसको अनब्लॉक कर दूंगा, ऑल पब्लिक एक्सेस आई एक्नोलेज कर देंगे, वर्जनिंग की हमें जरूरत है नहीं फिलहाल, और सिंपली कर दूंगा मैं क्रिएट बकेट पे क्लिक। ठीक है, सो आपको बकेट क्रिएट करना तब तक आ ही गया होगा। बकेट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, हम इसे करेंगे ओपन, और यहां मैं करूंगा अपलोड पे क्लिक। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फाइल्स हैं वो आपको जो अपलोड करनी है वो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऐड फाइल पे क्लिक कर देना है। ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास जहां भी टेम्पलेट अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज आपको गूगल पे भी मिल जाएगा वो टेम्पलेट बहुत इजीली। ठीक है, सो आपको चले जाना है डायरेक्टली AWS अपने जहां पे आपके पास टेम्पलेट पड़ा हुआ है। ठीक है, सो टेम्पलेट आपको देख लेना, टेम्पलेट को यहाँ पे मैं फिलहाल इसे नहीं करूंगा क्लिक, इसे मैं रिमूव करूंगा यहाँ से, एंड ऐड फाइल करने के लिए मैं इसे भी करूंगा ओपन। ओपन करेंगे, ठीक है, सो ऑल फाइल्स मुझे यहाँ करनी है ओपन। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है कि ये जिप फाइल के अंदर है, तो मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ पहले तो। ठीक है, और इसके अंदर जाएंगे अपन मॉडल्स, इसके अंदर गए, मैंने किया एंड यहाँ पेस्ट मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अनजिप। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये मेरी सारी फाइल्स। ठीक है, सो अब मैं इसे करूंगा कैसे, मैं ऐड फाइल करूंगा यहाँ पे एंड इसे मैं ओपन करता हूँ, जब मैं सारी फाइल्स हैं इनको पकड़ के मैं सिंपली यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, सो ये सारी मेरी यहाँ पे आ चुकी है, आप देख लो मेरे सामने। ठीक है, इन सबको आपको सिंपली कर लेना है सेलेक्ट, और जितनी भी हैं सब इसमें आ चुकी हैं, आपको कर देना डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड पे क्लिक। ठीक है, सो ये सारी सारी यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी, तो आप देख सकते हो कि सबकी सब यहाँ पे अपलोड हो रही है। टोटल 156 फाइल्स हैं, तो इट विल टेक थोड़ा बहुत टाइम। ठीक है, तो थोड़ा टाइम हमें लगेगा इसको, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जस्ट बिकॉज की फाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लाइक बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक ठाक ही लेवल पे हैं, बट हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, सो थोड़ा वेट कर लेते हैं हम, लगभग हमारी 156 कुछ फाइल्स थी, 156 फाइल्स थी, और अभी कितनी हो गई हैं, 35 हो चुकी है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आप लोग, मतलब मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, पॉज कर देता हूँ वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि ये हो चुका है अपलोड, और इसको मैं यहां से सिंपली करूंगा क्लिक, बाहर आ जाएंगे अपन, और बाहर आने के बाद मैं करूंगा सेलेक्ट ऑल, यहाँ सब पे हो जाएगा सेलेक्ट, एंड इसे मैं कर दूंगा मेक पब्लिक यूजिंग ACL। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें पब्लिकली एक्सेस नहीं होती हैं, जिसकी वजह से एरर आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक, अब क्या करूंगा मैं, यहां आने के बाद आपको सिंपली बकेट पे क्लिक करूंगा एंड इसके अंदर अपन आ जाएंगे, और अंदर आने के बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ ऑप्शंस पे मतलब जाना होगा, जैसे कि प्रॉपर्टीज पे आपको जाना है। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको लास्ट में आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग का, इसको मैं एडिट करूंगा एंड यहां से कर देंगे अपन इसको इनेबल। इनेबल करने के टाइम हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि यहां पे हमें डालना है index.html, index.html, और यहां आपको डाल देना है error.html। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा सेव चेंजेस पे क्लिक। ठीक, अब जैसे आप करोगे सेव चेंजेस पे क्लिक, आप सबसे ऊपर आओगे,
आपको एक ARN एक तो मिल जाएगा यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, एक यूनिक होता है रिसोर्स नंबर, और आपको मिल जाएगा एक ही एड्रेस यहाँ नीचे। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे एंड आप यहाँ जाकर के सिंपली करोगे सिर्फ पेस्ट एंड एंटर, एंड आपको मिल जाएगी आपकी वेबसाइट जो आपने अभी हमने स्टैटिक वेबसाइट हमने डाली है सीधे, है ना, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट। कुछ काम नहीं होगा बट ये एक प्री डिफाइंड है जो कि रहेगा, जब भी आप क्लिक करोगे तो ये कुछ चेंज नहीं होगा, कॉन्टेंट पे कुछ आपको मिलेगा नहीं इसमें, ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। सो एक एक तरीका है आपको बताना था कि आप इस पे सिंपली एक नॉर्मल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि एक मतलब कि कोई जाए लॉग इन करे तो आपको वेबसाइट दिखे, तो आप ऐसे भी उसको कर सकते हो, स्टैटिक वेबसाइट अपने सर्वर पे डाल सकते हो, ठीक है। आई गेस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है चैनल पे नया जो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ डिलीट करना मत भूलना इन सब चीजों को, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको जाना है बेसिकली इसके अंदर एंड इन सब चीजों को करना है डिलीट, और डिलीट करने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा परमानेंटली डिलीट, परमानेंटली डिलीट, ओके, और यहाँ कर डिलीट ऑब्जेक्ट्स, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा एंड हो गया डिलीट, ठीक है। सो ये हो चुका है डिलीट भी, और डिलीट करने के बाद हो सकता है आपको ये बोले कि आपकी बकेट जो है एम्प्टी नहीं है, अगर आपसे बोलता है सो ठीक है, अदर नो ऑब्जेक्ट फाउंड, ठीक है अच्छी बात है, हम बकेट पे जाएंगे वापस से, और बकेट पे जाने के बाद मैं इसे कर दूंगा डिलीट, तो बकेट भी आप लोग कर देना डिलीट, ठीक है। और कैसे करेंगे डिलीट बकेट, उसका नाम डालना है हमें इसमें लाइक ऐसे कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट एंड डिलीट, तो बकेट हो चुकी है डिलीट हमारी। तो ये हमारा आज का वीडियो जो कि था स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, और आप लोग जाकर के बाय करो नोट्स बाय करो, और थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करो मुझे, ठीक है, इतने से आपको कुछ नहीं जाना, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी एंड मैं आपकी भी हेल्प कर रहा हूँ, मैंने आपको प्रॉपरली डेमोज प्रोवाइड किए हैं, और उन सारे डेमोज के जो सारे PDFs है वो आपको मिल जाएंगे वन क्लिक पे नीचे जाकर के। सो ठीक है, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।